हेलो दोस्तों, राम राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत। तो हम लोग और हम आशा करते हैं कि आप सब भाई लोग, मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपना प्यार ना ऐसे ही बनाते रहिएगा हमेशा हमारे चैनल पे। और आगे भी है ना, हमने फुल कोशिश कर रखी है अच्छी वीडियो बनाने की आपके लिए। अच्छे फिलहाल तो ब्लॉग चल रहे हैं लेकिन हम आपके लिए पारिवारिक वीडियो भी लेके आने वाले हैं। अभी एडिटिंग हो रही है, उसमें एडिटिंग बाकी है। तो दहेज प्रथा के ऊपर ऐसे कुछ वीडियो बनाए हमने पारिवारिक, जो आपको जरूर पसंद आएंगे। हेलो करो बेटा। हेलो दोस्तों। यस, हेलो करो बेटा। हेलो चाचा। तो हम फ्रेंड्स लोग, भाई लोगों, हम आज मार्केट जा रहे हैं क्योंकि सर्दी में काफी सर्दी है ना, बहुत ज्यादा पड़ने लग गई है कोटा में। तो ये बच्चों के लिए कपड़े लेके आएंगे सर्दियों के। तो हम जा रहे हैं अभी मोटरसाइकिल पे बैठ के, और ये स्कूल पे होके जा रही है ट्रेन। तो हम आ गए हम बाजार में, यहाँ पे मतलब यासी कपड़े खरीदने के लिए आए ना उस जगह पे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दुकानें हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है। आगे से तो हम आ गए दुकान पे, अब यहाँ से बच्चों के लिए कुछ खरीद लेते हैं। हाँ जाओ। और अब यश निकारे के लिए टी शर्ट खरीद रहे हैं। यश निकारा, पसंद कर लोगे तुम भी? यस बोल रहा, कर लेंगे पसंद। और ये जस यसु और नितारा के लिए हम देख रहे हैं कौन सी पसंद आती है, ये उनको लेके चलेंगे। हाँ ठीक है, इसलिए आराम से। ये छोटी है, बच्चा पतला दुबला बहुत है। अब यसु को पहना के देख रहे हैं। यसु एकदम फिट हो रहा है, खुश हो रहा है। तो बहुत ज्यादा छोटी है, हल्की हल्की सी, बहुत छोटी लग रही है। बड़ी ले लो, बहुत ये ले लो कलर। क्या बोल रहे हैं सर? बार बार तो फहरा के देखते ही है ना, एक साल गए ना, तभी इसमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। तो अब जा रहे हैं ऊपर, कुछ और भी खरीदना है। बच्चे तो खेले चले गए। यहाँ से कुछ और खरीदेंगे। तो मम्मी तरफ पापा के लिए खरीदने के लिए आए हैं। इधर से सामने दिख रहे हैं। ये देखो कैसे लाजी हो रहे हैं दोनों। ये सब डांस कर रहा है। ज्यादा लंबा तो नहीं? नहीं लंबा नहीं है, वो तो पहनोगे ना भजन में बोल घूम जाएगा ना। तो ये यहाँ से गरम लिया, गरम पजामी खरीद रहे हैं। और तो हम यहाँ से सामान खरीद लिया है, अब पेमेंट कर रहे हैं पापा। यसु देखो कांच है, कांच के सामने डांस करो। यसु यसु सर भर रहा है। यसु कांच के सामने डांस करो। क्या बोल रहा है उस बोलो सर? छोटी और जैसी भी या थोड़ी जैसी भी मिला। तो सामान खरीद लिया है, अब चल रहे हैं वापस से नीचे। यसु तो जैसी भी मांग रहा है दुकान में, जैसी भी खाया है कपड़े, कपड़ान की दुकान में जैसी भी। तो अब खरीद के चलती है यहाँ से, चल दिए हैं बहुत सारा सामान खरीद के। अभी तो और भी खरीदना है, गोलगप्पे खाने आ गए। ये देखो यहाँ पे लगती है गोलगप्पों की दुकानें, बहुत ज्यादा दुकानें होती है, छोटी छोटी ठेलियाँ। तो हम लोग यहाँ से खा के जाएंगे। ये लो, सब लोग यहाँ से खा के जाते हैं, और जगह नहीं होती है, यहीं पे होती है। जितनी भी ठेलियाँ होती है ना पानी पतासी की, वो सब यहीं पे होती है। आ जाओ,
तो गोल गप्पे तो हम खा नहीं रहे हैं, टिकिया ले रहे हैं क्योंकि सर्दी लग रही है ना, पहले से ही हो जाता तो यहाँ से जो सारी चीजें हम यहीं से अब टिकिया खा के जाएंगे। बच्चे बोल रहे थे हम गोल गप्पे नहीं खाएंगे मम्मी, तो अब चलो सभी खा लेंगे। तो मैं देखती हूँ कैसे बनाते हैं भैया। तो ये भैया बना रहे हैं अब टिकिया, ये आलू टिकिया है भैया। हाँ तो ये गर्म कर रहे हैं तेल में उतार के, और अब बताएंगे कैसे कैसे बनाते हैं भैया ये टिकिया। भैया चलो बेटा वही चलो। तो अभी तो ये पका रहे हैं वापिस से, अब पक चुकी है, अब ये काटाई कर रहे हैं इनकी। दो बनवाइए तो दो की ऐसी करें। अब इसमें डाल दें मसाला, ये खट्टी, ये मीठा, ये दही, ये कुछ और मसाला है, चाट मसाला, ये प्याज। तो ये बन गई है, एक टिकिया तैयार हो गई है। तो चलो ये लोग में ले आई, तो भैया जी ने सारी विधि बनाई ना। अपनी तरफ पापा खड़े खड़े खा रहे हैं, इसको खा तो आप हाँ तो आपके लिए भी है दोस्तों। देखो ये खेलों का मन कर गया था तो मैंने सोचा मैं भी खा लेता हूँ। हाँ और बच्चों को भी खिला देता हूँ। नितारा नहीं खा रही है, नितारा दूसरी चीज मांग रही है, तो इसको दूसरी दिलाएंगे। इनको सबको अलग अलग चाहिए होता है, तो मैं भी खा। तो खेलू ने भी इधर खाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा मन कर रहा था खाने में। कह रही थी मैं तो टिकिया खाऊंगी, टिकिया तो हमने दो बनवा लिए हैं। और यस्सू पहले तो बोल रहा था ये खाऊंगा लेकिन इसने खाई नहीं है, तो इसके लिए गोलगप्पे बनवा रहे हैं। गोलगप्पे की प्लेट बनवा रहे हैं। और नितारा तो अलग से ओरियो बिस्कुट मांग रही है फिर से, तो इसको ओरियो नहीं। यस्सू के लिए ये गोलगप्पे बनवाए, ये उनको खा रहा है। नितारा तू भी खा ले बेटा, एक तो खा ले बेटा। तो यहाँ से हम लोग ने अभी गोलगप्पे और पतासी खाई है, तो अब हम वापस घर पतासी सॉरी आलू के आलू की टिकिया, मेरे को तो नाम भी पता नहीं है लेकिन बहुत अच्छी लगी थी। और मतलब यहाँ पे होती है ना जो भी दुकानें होती हैं चारों तरफ, और रौनक भी हो गई है काफी सारी। तो बच्चे ने तो यस नहीं खाई है। जय श्री राम, मेरे बालाजी बाबा, हर हर महादेव जी बाबा, भोले बाबा। अभी अभी हम लोग घर आके पहुंचे हैं, और आके सबसे पहले हाथ धो के महादेव बाबा के चरणों में दीपक लगा है, पूजा की है। और पूजा करने के मतलब पूजा करने के बाद अब मैं बनाने वाली हूँ खाना, और खाना में ज्यादा कुछ खास बनाने वाली नहीं हूँ, सिर्फ बाजरे की रोटी और कढ़ी बनाऊंगी। तो चलो मैं भी अब खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और शॉपिंग करके भी हम ज्यादा चीज खरीद के नहीं लाए, बस बच्चों के लिए खरीद के आए कुछ, और मेरे लिए सर्दी, अब सर्दी आ गई ना तो इसलिए जूती खरीद के लाई हूँ मैं, तो यही खरीद के लाए हम। हाँ तो खेलो नहीं है, रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया बाजरे का, चूल्हे को पहले अंदर रख दिया था तो बाजरे की रोटी तो। और इधर नितारा बैठी हुई है, और इधर यस्सू। खेलो ने कड़ी बना के तैयार कर रखी है, इसको डाल लेता हूँ इसमें। मूली डाल, तो दोस्तों देखो ये बाजरे की रोटी सीख गई है, और ये इधर गुड़ ले लिया है थोड़ा सा, बच्चों को भी पसंद है, मुझको भी पसंद है। ऐसे थोड़ा बहुत खाते हैं ये, तो थोड़ा समय ले लूंगा। और इधर कड़ी ले ली है, तब खाने वाले हैं हम। और इधर खेलू बना बना के दे रही है, यहीं बैठ के खा रहे हैं हम चूल्हे पे साथ साथ। तो बच्चे और नितारे पापा खाना खाने बैठ गए, और मुझे भी मतलब सबसे ज्यादा अच्छा जब लगता है जब ये लोग मेरे पास बैठ के ही खाना खाते हैं ना, गरम गरम रोटी मैं बनाती जाती हूँ तो जब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों आप भी खा लो खाना, आप भी खा लो, आपके लिए भी है कड़ी बनाई है खेलों ने ना बाजार की।